उत्तर प्रदेश के हापुड़ के दतियाना गांव से निकलने वाली नीम नदी समय के गर्त में खो चुकी थी ये काली नदी की सहायक नदी है मुख्य रूप से अतिक्रमण की वजह से यह 40 साल से ज्यादा समय से लुप्त तो हो गई थी चार साल पहले इसे खोजा गया नदी को नई जिंदगी देने की कोशिशें दो साल से हो रही थी ये बेसिकली काली नदी की मुख्य ट्रिब्यूटरी है जब हम 2019 में काली नदी को ट्रैक कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक नीम नदी भी है जो इसकी सहायक नदी है तो हमने उसको रिवर्स ट्रैक करना शुरू किया नीम नदी को तो हम करते करते पहुंच गए दत्याना गांव तो कुछ किवन दंतियाँ मिली कुछ सरकारी दस्तावेज मिले लेकिन कोई सही नहीं बता पा रहा था इसका उद्गम कहाँ है तो फिर हमने ब्रिटिश गजेटियर सेटेलाइट मैपिंग और सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकाली तो हम ये निश्चिंत हो गए कि इसका उद्गम तो दत्याना गाँव में ही है विलुप्त नदी को दोबारा जिंदगी देने में मिली कामयाबी ने देश की दूसरी नदियों के लिए भी उम्मीद जगाई है जो प्रदूषण की मार झेल रही हैं।

अभी जब वृक्षारोपण होगा वहाँ पे हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नीम भी लगाएंगे जिस जिस चीज के नाम से वो नदी है और उसके आसपास जो ग्रामीण पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी ने मन की बात में नीम नदी के बारे में कहा कि नदी का उद्गम स्थल अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है उम्मीद है कि नीम नदी को मिली नई जिंदगी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी